जय हिंद। गवर्नमेंट ने टोटल 59 ऐप्स को बंद कर दिया। इन पर भारत से डाटा लीक करके चाइना या भारत से बाहर ले जाने का आरोप लगाया गया। समझते हैं क्या ये दोबारा आ सकते हैं कि नहीं। और इस पर जो मेन विवाद था वो सर्वर को लेकर था। अब ये सर्वर क्या है, सर्च इंजन क्या है, ब्राउजर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब में क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपको अगर इनका 59 का आपको लिस्ट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मेनली जो बैन किया गया वो टिकटॉक, वीचैट जो है वो हम लोग के व्हाट्सएप की तरह है, और यूसी ब्राउजर ये बहुत बड़ा आपका वेब ब्राउजर था। टिकटॉक के तो करोड़ों यूजर्स थे इंडिया में। अब ये टिकटॉक को जो बैन लगाया गया इसके कई पॉजिटिव भी और निगेटिव भी इंपैक्ट है। देखिए, टिकटॉक ने भारत में 2000 लोगों को डायरेक्ट नौकरी दी रखी थी और बहुत से लोगों की प्रतिभा टिकटॉक पर जाने के बाद ही दिखाई दी थी। बहुत से लोगों को इसने बहुत ज्यादा स्टार भी बना दिया था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के आगे इस सबको मायने नहीं रखा जाता है। टिकटॉक पर एक बार और बैन लग चुका था मद्रास में, लेकिन टिकटॉक ने बताया कि उसने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया है, तो वापस उसमें से बैन हटा दिया गया था। अभी टिकटॉक के बारे में थोड़ा देखते हैं। टिकटॉक जो है वो PM केयर फंड में 30 करोड़ रुपए दिए थे, ये भी अच्छा काम किया था। टिकटॉक इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गांधी, इन्होंने कहा है कि टिकटॉक जो है भारत में सबकी प्रतिभा को उजागर कर रहा है और एक तरह से ये एक सॉफ्टवेयर यानी इंटरनेट के मामले में लोकतंत्र को भी बढ़ावा दे रहा है। ये 14 भाषाओं में चलाया जाता है टिकटॉक। हालांकि टिकटॉक से बहुत से लोग फेमस भी हुए हैं, जिनको आप नहीं जानते थे उन्हें आज जानने लगे हैं। यूट्यूब जो है थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ये थोड़ा सा ऑफिशियल ही हो जाता है यूट्यूब में। यूट्यूब से भी आप बहुत से लोगों के बारे में जानने, जैसे मान लीजिए हमसे किसी को पटना में पढ़ने आना है तो वो लड़कों से पहले पूछता था खान सर कैसा पढ़ाते हैं। अब भाई तुमको कैसा पढ़ाते हैं आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देख लीजिए आप कैसा पढ़ाते हैं। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया और इस पर कहा कि आप भारतीयों का डाटा लीक करके भारत से बाहर ले जा रहे हैं। वो इंडिया के बाहर सर्वर पर भेज रहे थे। सर्वर समझते हैं, अभी ये समझते हैं। टिकटॉक ने कहा है कि वो भाई सरकार से इस पर बातचीत कर रहा है और सरकार से जिस चीज पे सरकार को जिस पर संदेह है उस चीज को सुधारेगा, और उसका सोचना है कि वो इस सुधार को फिर से जिस तरह से चेन्नई यानी मद्रास में उसने दोबारा ला दिया था इसे, वैसे वो इंडिया में भी लेके आ जाएगा। हालांकि इसको आप न्यायालय में ले जाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पर, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर ये होम मिनिस्ट्री की बात सुनी जाती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेता है। देखिए, टिकटॉक को बैन करना चलिए ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को अभी इंडिया जो इसके सब्स्टिट्यूट इंडिया के ऐप है, गवर्नमेंट को आगे आके लोगों को पूरी तरह से क्लियरिफाई करना चाहिए और समझाना चाहिए कि आप ऐसे ऐप पर काम कीजिए जो हमेशा अच्छा रहे और उसका गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से भी कोई लेना देना नहीं रहे। जैसे हम यूट्यूब पर इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हमारे 1 मिलियन लगभग अब सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं, पता चला यूट्यूब मेरा डिलीट हो गया तो हमारा काफ़ी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए लोगों को कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर वर्क कीजिए। जैसे भारत ने बनाया था मित्रों ऐप, वो थोड़ा सा पाकिस्तानी ऐप से थोड़ा सा मैच कर गया था, इस वजह से गूगल से थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। तो गवर्नमेंट को इसके जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, 10-20 लोगों की कमेटी बनानी चाहिए जो सॉफ्टवेयर के अच्छे जानकार हैं, उन्हें कहना चाहिए कि 1 महीना के अंदर अंदर इन सबके सब्स्टिट्यूट भारत में तुरंत अवेलेबल कराएं। वैसे हम तो यूसी ब्राउजर आपसे भी कहते हैं इसे मोबाइल में नहीं रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोड डालता है मोबाइल पर, अच्छा नहीं है। गूगल क्रोम ज़्यादा सही है, यूसी ब्राउजर अब तो अब रख के क्या करेंगे, काम ही नहीं करेगा आपका। तो ये गवर्नमेंट को भी इस पर सब्स्टिट्यूट निकालकर गवर्नमेंट पब्लिक को जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हालांकि इसके सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उतनी जानकारी नहीं है, ये काफी फेमस हो गए थे। सारा घमासान ना सर्वर को लेकर था। तो सर्वर को समझने से पहले ना आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा। हार्ड मतलब होता है ना कठोर, अवेयर मतलब होता है सामान, जैसे हार्डवेयर की सामान कठोर सामान। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिस पार्ट्स को आप छू के देख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में हमको देख रहे हैं तो आप मोबाइल को टच कर सकते हैं, हम जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कर सकते हैं, स्पीकर को टच कर सकते हैं, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, CPU हो गया, जिसे आप बाहर से छू सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। ये माइक को हम टच कर सकते हैं, माइक के वायर को, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। हम इस स्क्रीन को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। लेकिन जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो अंदर काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ अंदर एक घोड़ा दौड़ रहा है, हम चाहेंगे अगर हम इसको टच करने के लिए, तो देखिए हम घोड़ा को नहीं टच कर सकते, हम इस स्क्रीन को टच कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है घोड़ा को टच कर रहे हैं, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, सोचेंगे घोड़वा निकाले तो फोड़ देंगे अपना ATVM।
उसी तरह आप हमको सोचेंगे टच कर लें तो आप हम थोड़ी ना टच हो पाएंगे आपके मोबाइल में। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, हमको नहीं। तो जो मोबाइल का स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं। जो हम अंदर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। किस सॉफ्टवेयर में आप हमको देख रहे हैं, तो फिलहाल आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं। जैसे ये लैपटॉप जो है ये हार्डवेयर है, इसका स्क्रीन हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान लीजिए ये मेरे इस कंप्यूटर के अंदर ये लड़की बैठी है, तो हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कर सकते हैं। हाँ, ये एयरफोन लगाइए, हम सोचेंगे इसका एयरफोन वहां हटा दे, ये बकलू लिया एयरफोन निकाल, तो ये निकालेगी एयरफोन वहां, ये तो अंदर है। तो जिसको हम नहीं टच कर सकते, अंदर जो वर्क कर रहा होता है उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। इसके भी कई कैटेगरी होते हैं। कंप्यूटर में जो सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, SS कहेंगे उसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम है उन्हें आपस में कनेक्ट करके रखता है CPU मदरबोर्ड के थ्रू में, वो आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आप यहाँ टाइप करते हैं तुरंत वहाँ चला जाता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखता है। अब आप कुछ भी ऐड करिएगा तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही जाके ऐड होगा। अतः आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर के साथ साथ आप हार्डवेयर भी खरीदते हैं और उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी रहता है। आप ऑन करते हैं तो बत्ती उत्ती जल जाता है लेकिन काम नहीं करता है, तो वो आपसे अब आप उसमें कुछ और ऐड कराते हैं। तो उसमें आप ऐड कराते हैं ऑपरेट करने के लिए, उसमें क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, OS। अब आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें विंडोज डलवा लेते हैं, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11, जितना भी आता है वो डलवा लेते हैं। और अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में आप एंड्रॉइड डलवा लेते हैं। तो ये एंड्रॉइड मोबाइल का क्या है, सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि कई ठो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ब्लैकबेरी होता है, एप्पल का, आईफोन का होता है, तो उनका अलग अलग होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या है। सबसे फेमस मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉइड। और कंप्यूटर के लिए सबसे फेमस कौन सा है, तो विंडोज़ है। जैसे मोबाइल खरीदेंगे तो हम इसमें डलवा लेंगे एंड्रॉइड। आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदिए ना, चाहे वो सैमसंग हो, चाइनीज हो, कहीं का भी हो, आपको उसमें ज़्यादातर संभावना है कि आपको क्या मिलेगा, एंड्रॉइड ही मिलेगा। आईफोन खरीदेंगे तो उसका अलग मिलेगा। और आप लैपटॉप खरीदिए, HP का खरीदिए, डेल का खरीदिए, किसी का भी खरीदिए, उसमें आपको डलवाना पड़ेगा क्या चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का। तो अब आप बताइए आप इंडिया में कितना मोबाइल बना लीजिए, वो मोबाइलवा चलेगा किस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो अमेरिका का गूगल बना के रखा एंड्रॉइड। आप मेहनत कीजिए वो पैसा कमाएगा। आप खूब मेहनत करके एक लैपटॉप बनाइए, कंप्यूटर बनाइए, मोबाइल बनाइए, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देना ही है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिका के हैं। आप चाहे विंडोज लीजिए कंप्यूटर के लिए या एंड्रॉइड लीजिए मोबाइल के लिए। अब टिकटॉक जो था वो ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर था और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर ये टिकटॉक पर इतना बवाल क्यों हो गया? देखिए, कोई भी कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, ये जब आप खरीदते हैं तो आपको उसके साथ ही मिल जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड हो गया और जो कंप्यूटर का हो गया वो विंडोज हो गया। लेकिन जब आप नया नया मोबाइल खरीदते हैं तो इसमें बहुत से चीज़ डलवाते हैं, कहते हैं ए व्हाट्सएप डाल दो तो, फेसबुक डाल दो तो, यूसी ब्राउजर तो चल गया, टिकटॉक डाल दो तो, यूट्यूब, इस तरह से कई चीज़ों को आप बाहर से लेते हैं। यूट्यूब तो इनबिल्ट रहता है, बाहर से ऐसे बिंदु बिंदु ले लेते हैं। ये क्या है, इसी पर आपको काम करना है, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को शॉर्टकट में हम ऐप्स कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, ऐप्स। तो आप किस पर काम कर रहे होते हैं, ऐप्स पर। तो आप काम करते हैं ऐप्स पर। ऐप्स किस पर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और ये जाके बोलता है मोबाइल या फिर वो किसी भी कंप्यूटर को। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है, अभी हम इसका लॉक खोल दिए, जैसे यहाँ लॉक खोल दिए, और हम इसमें से जाके हम यहाँ पे चले गए अपना, खोल दिए हम यहाँ से कैलेंडर। तो ये कैलेंडर क्या है, मेरा एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर काम कर रहा है, मेरा सैमसंग का मोबाइल है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, तो ये है एंड्रॉइड है। अब इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। तो ये अलग अलग तरह के एप्लीकेशन होते हैं। ये भी नहीं था आपका टिकटॉक। टिकटॉक जो था वो सर्वर का मेन विवाद था, इसमें सर्वर तो लगे ही नहीं। देखिए, यूजर कहाँ लिखता है, तो एप्लीकेशन यानी ऐप्स पर लिखता है। वो कहाँ जाता है, OS यानी एंड्रॉइड वगैरह पे चलाता है। वो कहाँ चला जाता है भाई, कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। लेकिन यहाँ अलग कंसेप्ट हो जाता है अगर आप इंटरनेट से जुड़ गए तब। अब जैसे टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये इंटरनेट से जुड़ गया, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक अलग तरीके का ऐप्स चाहिए। वो ऐप्स को हम लोग कहते हैं ब्राउज़र कहते हैं। तो ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ब्राउज़र नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप नेट से कोई चीज़ों को मंगाएंगे।
अब ब्राउजर सबसे फेमस, जैसे देखिए ओपेरा मिनी उतना फेमस नहीं है, गूगल क्रोम बहुत फेमस है, आपका सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप हमको ख्याल से सबसे ज़्यादा आप लोग इसी का यूज़ करते होंगे क्रोम का। तो गूगल क्रोम खुलते होंगे ना तो उसके अंदर कई चीज़ आ जाते हैं, फ्लिपकार्ट चाहिए कि अमेजोन चाहिए, क्या चाहिए क्या चाहिए, तो उसमें आप खोलते होंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन भी कई टाइप के होते हैं सर, बिंग है, याहू बंद हो गया, अभी सबसे ज़्यादा सर्च इंजन चल रहा है गूगल। तो देखिए गूगल क्रोम जो है वो ब्राउज़र है और गूगल जो है वो सर्च इंजन है। आप जो है कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो कंप्यूटर पर जब आप नेट से जुड़ते हैं तो आप जाते हैं ब्राउज़र पर, किसी भी चीज़ को लिखते हैं ब्राउज़र पर, ब्राउज़र उस जानकारी को मांगता है सर्च इंजन से, गूगल से, गिरे भाई लाओ। अब ये जानकारी गूगल कहाँ से लाता है, तो एक बहुत बड़ा मेमोरी होता है, मेमोरी का घर कह दीजिए आप, तो उसमें हर एक चीज़ फीड रहती है। जैसे आपके मेमोरी होगा आपके मोबाइल में, उसमें जो चीज़ फीड कर दिए हैं, अब जैसे मेरे पास जो मेमोरी है लैपटॉप में वो थोड़ा सा और बड़ा है, तो उसी तरह बहुत बड़े मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर। इसे जरा 2-3 को कॉलेज बराबर बना दिया है, बड़ा बड़ा सर्वर है, इतना बड़ा। आप कोई भी चीज़ जैसे हम आपको ये यूट्यूब पर वीडियो बनाए, जैसे अपलोड करेंगे ना वो कहाँ जाएगा, ना गूगल, कहीं नहीं जाएगा, सीधे चला जाएगा सर्च इंजन में, सर्वर में चला जाएगा। अब आप जाएंगे सीधे अपने ब्राउज़र ब्राउज करने के लिए यूट्यूब पे, तो यूट्यूब सर्च इंजन के थ्रू कहाँ से ले आएगा भाई, आपका सर्वर से। तो कोई भी जानकारी कहाँ इकट्ठा रहती है, सर्वर में रहती है। मेरा वीडियो कहाँ है, ना ही वो ब्राउज़र में है, ना ही वो सर्च इंजन में, वो है सर्वर में। सर्वर से जानकारी को निकाला जा सकता है। अब जो टिकटॉक था उस पर ये बैन लग रहा था कि वो इंडिया से जो जानकारी ले आ रहा है, वो जो सर्वर है बहुत बड़ा जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर होता है, वो इंडिया में नहीं स्टोर करा रहा है, वो इंडिया के बाहर चाइना वगैरह में स्टोर करा रहा है, इसलिए भारत की जानकारी लीक हो सकती है। तो ये सर्वर देख रहे हैं, कमरा बराबर था, बहुत बड़ा, इसमें मेमोरी कार्ड मतलब पेन, वो हार्ड डिस्क होते हैं सब बड़े बड़े कई टीवी के, और उसमें पूरी डाटा स्टोर रहती है। सोचिए गूगल के पास कितना डाटा है, अगर उसका सर्वर गया ना तो सब चीज़ बंद हो जाएगा, हर चीज़ अभी गूगल से कनेक्ट है, आपका बैंक से लेकर A to Z चीज़ को देखते हैं गूगल से पूरा कनेक्ट रहता है। वो सारी जानकारी कहाँ है, सर्वर में रहती है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होता है वो सर्वर में रहता है। जैसे मान लीजिए आपको आपको पता करना है कि अशोक जो सम्राट था पाटलिपुत्रा का, उसके बारे में पता करना है, तो कोई भी जो अपने रिसर्चर होते हैं बड़े बड़े यूट्यूब के हिसाब से या फिर गूगल के हिसाब से, वो लोग अपने सर्वर में रखे रहते हैं। तो आप जब भी आप गूगल खोलते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र खोलते हैं, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली गूगल क्रोम होगा, गूगल क्रोम खोलते होंगे ब्राउज़र, अब ब्राउज़र के थ्रू आप कहाँ जाते होंगे, गूगल सर्च इंजन पर, यहाँ पर आप सर्च करते होते हैं अबाउट अशोक। अब जैसे अबाउट अशोक कहते हैं तो ये चला जाता है कहां पर, सर्वर के पास, और सर्वर में जो डाटा सेव रहता है वो वहीं से ये भेज देता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे। लेकिन क्या होगा कि अगर बीच में ही कोई दूसरी जानकारी भेज देता तब तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी को कहते हैं हैकिंग। यहीं से मेन हैकिंग चालू हो जाता है, ये जैसे सर्वर से निकला यहीं से हैकर सब उड़ा देते हैं सर, या सर्वर में ही गलत जानकारी भेज देते हैं। जैसे मान लिया कि आप अपना पिन कोड डाले ATM का 4 अक्षर का, तो वो यहाँ के थ्रू सर्च इंजन के थ्रू गया, यहाँ से कोई हैकर उठा के लेके चला गया आपके पिन को। तो मेन हैकिंग यहीं से चालू होती है। तो जो आप अपने टेक्स्ट मतलब लिखावट, इसका जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसको बीच में से लोग हैकिंग कर लेते हैं, तो इसको सिक्योर बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। इसके लिए आप 2 वर्ड जरूर सुने होंगे, एक आप देखे होंगे इस तरह से लिखा रहता है HTTP, देखिए यहां लिखा ना HTTPS, यहां लिखा HTTP, देखिए H का मतलब होता है हाइपर, टी से होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, लिखावट। जैसे हम थोड़ा सा आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दें हाउ आर यू, तो ये छोटा मोटा टेक्स्ट है। आप सोचिए ना गूगल का विकिपीडिया खुलता है 20-30 पेज का रहता है, तो छोटा मोटा टेक्स्ट थोड़ी है, बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखावट है, तो उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। बहुत बड़े चीज को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि किसी की सगाई हुई तो उसको टेंशन हो गया, और शादी हो गया तो हाइपर टेंशन हो गया, अभी हमारा होने वाला है तो अभी हम क्या झेल रहे हैं, अभी हम टेंशन झेल रहे हैं, शादी बाद क्या झेलेंगे, हाइपर टेंशन झेलने लगेंगे। तो जो टेक्स्ट होता है अब वो बहुत बड़ा हो गया तो हाइपर टेक्स्ट। तो HT का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, बहुत बड़ा। ट्रांसफर यानी भेजने का प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून, किस तरह से हम किसी टेक्स्ट को भेजेंगे उसका नियम कानून। तो नियम कानून तो आपको पता ही चल गया भाई कि कोई भी टेक्स्ट को आप कहाँ भेजेंगे, सर्वर से उठा के सीधे मोबाइल में भेज दीजिएगा, इसके नहीं भेजिएगा, बीच में से गायब हुआ पता ही नहीं चला, सर्वर से उठा के किसको दीजिएगा, सर्च इंजन को, गूगल को, वो किसको देगा, ब्राउजर को, क्रोम वगैरह को, वो किसको देगा, आपको देगा, यूजर को दे देगा। तो इसी को हम कहते हैं एक नियम कानून का तरीका, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून, लेकिन ये सिक्योर नहीं था, इसलिए इसमें एक अलग से कंपनी के द्वारा सिक्योर किया गया, जिसमें एक एक्स्ट्रा शब्द एस जोड़ दिया गया ये सिक्योरिटी के लिए, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जब भी आप कभी बैंक का कोई लिंक खोलिए या कुछ भी खोलिए, तो शुरुआत में आपको यहाँ पर आपको जैसे मिल गया HTTP तो समझ जाइएगा कि सिक्योर नहीं है आप, और अगर लिखा है HTTPS तो ये समझिएगा सिक्योर है, इसे बहुत बड़ी मशीन द्वारा सिक्योर किया जा रहा है। उस सिक्योर जो होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं उसको, पूरा नाम होता है, वो तीन लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप HTTP से नहीं करिए बल्कि HTTPS से करिए, ये सिक्योर बनाने के लिए होता है। जैसे यहाँ देखिए ना, HTTP लिखा है, इसको हम लोग को यूज़ नहीं करना है भैया, गड़बड़ कर देगा, HTTPS करना है, ये सिक्योर रहता है। ये सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो टिकटॉक के साथ था, तो उसमें ऐसा संदेह था कि ये सर्वर से जानकारी को दूसरे देश को मुहैया करा रहे हैं। तो आई होप आपको सर्वर समझ में आ गया होगा। सर्वर से पहले आपका गूगल इंजन होता है, सर्च इंजन होता है, उससे पहले ब्राउजर होता है, उससे पहले यूजर होते हैं, बाकी भी इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, URL होता है, डोमेन होता है, कहीं कहीं सुनते होंगे .com, कहीं .edu लिखा होता है, .in लिखा होता है, .org लिखा रहता है, तो ये कई सारी चीज़ें होते हैं, इसको कभी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। टिकटॉक के अलावे BSNL भी अपने 4G और 5G के लिए जो टेंडर चाइना को दिए थे उसको भी रद्द कर दिया। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी हाईवे में जो चाइनीज कंपनियां थी उनके टेंडर को रद्द कर दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।